And welcome to Beckons. We would be today working on 5 words a day. आज हम वो चीज करेंगे जिसके अंदर मैं रोज का आपको I would be working on 5 words in a day. So the first word, पहले मैं वो सारे words बताऊंगा. I would pronounce them, then I will give you the meanings of those, and then I'll give you sentences for those. So today is more like you could say a test video. Now I would require you guys to write down the meanings of the words. अगर आपको इस word का meaning आता है तो आप उसको लिख दें. Now let's start with the very first one. Voracious. Voracious. अगर आपको इसका spelling आता है तो उसको लिख दें नीचे. If you know the meaning of this word, please write down the spelling and then also write down the meaning. The second one is indiscriminate. 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 The third one is eminent. Eminent. The fourth one is steeped. Steeped. And the fifth one is replete. Replete. Let's start with the very first one, which was voracious. उसके बाद मैं इस सारों के आपको स्पेलिंग भी बता दूंगा, मीनिंग्स भी बता दूंगा. वोरेशियस होता है वो, जैसे अगर कोई आप कोई आप किसी से बात करें, आप कहें कि ये वोरेशियस रीडर है. वोरेशियस रीडर का मतलब है कि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ता उसको कहेंगे वोरेशियस रीडर. अगर आप किसी का कहेंगे कि वो वोरेशियस ईटर है, वोरेशियस ईटर का मतलब होगा जो बहुत ज़्यादा खाता हो. वोरेशियस लर्नर का मतलब होगा वो बंदा जो बहुत ज़्यादा लर्न करता हो. तो वोरेशियस मीन्स समवन हु इज डूइंग समथिंग इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा कर रहा है वो चीज़. The second word is indiscriminate. Indiscriminate जो होता है, जैसे आपने सुना होगा word discrimination. Discrimination होता है कि हम ज्यादातर कहते हैं कि इस बंदे को चूज किया था, इसको नहीं किया था, उसको चूज किया था, इसको नहीं किया था. जब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो discrimination होती है कि आप किसी बंदे को सिर्फ उसकी रिलीजन या उसके कल्चर की वजह से यू आर एक्चुअली बिहेविंग इन अ बैड वे विद दैट पर्सन. इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है, इनडिस्क्रिमिनेट मींस कि आप उसको, जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जो हमारे उसमें कह सकते हैं, अगर कोई बंदा किसी को वैसे ही जैसे गोलियां मारने लग जाए, ये नहीं कि एक को मारे, जैसे दहशतगर्द होते हैं उस 10-12 लोगों को एक साथ मार देते हैं, वो आप कह सकते हैं उसको दे शॉट इनडिस्क्रिमिनेटली, बगैर ये देखिए कि वो कौन था. इनडिस्क्रिमिनेट होता है कि यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट व्हाट दैट पर्सन वाज और हु दैट पर्सन वाज, आपने वैसे ही अंधाधुन मार दिया उसको. द थर्ड वन इज एमिनेंट. इसके बाद आप सुनने हैं इसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं. एमिनेंट पर्सनैलिटी, हमने सुना होगा कई बार एमिनेंट पर्सनैलिटी होता है समवन हु इज फेमस, समवन हु इज रिनाउंड. रिनाउंड का आपने सुना होगा कभी, उसकी स्पेलिंग भी लिखी है और एमिनेंट की भी लिखी और एंड ऑल्सो मेक सम सेंटेंसेस होते हैं. द फोर्थ वन इज स्टीप्ड. अगर आपका कोई बहन भाई या कोई दोस्त पूरा टाइम ही कोई होमवर्क कर रहा है, कोई पूरे टाइम ही काम ही कर रहा है, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि ही वॉज स्टीप्ड इन वर्क, मतलब कंप्लीटली इन्वॉल्व. स्टीप्ड मीन्स कंप्लीटली इन्वॉल्व. द फोर्थ वन इज रिप्लीट. मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने डिप्लीट का मतलब सुना होगा. डिप्लीट होता है हिज द रिसोर्स इज डिप्लीटेड. डिप्लीटेड का मतलब होता है वो कम होगा. रिप्लीट होता है ज़्यादा होना और डिप्लीट होता है कम होना. जैसे आप हम बलूचिस्तान के बारे में कहते हैं कि बलूचिस्तान इज रिप्लीट विथ नेचुरल रिसोर्सेज. बलूचिस्तान इज रिप्लीट विथ नेचुरल रिसोर्सेज. रिप्लीट का मतलब है उधर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है. डिप्लीट होता है जैसे आप कहते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द प्लेस, उस जगह की रिसोर्सेज या आप कह सकते हैं मिनरल्स डिप्लीटेड, मतलब कम हो गए. रिप्लीट का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. So, I want you guys to make sentences for them. That would be the end of the lecture. Okay, thank you.